है। पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले किया है, यह चित्र कहाँ का है? नेक्स्ट पिक्चर करने वाली है, ठीक है? क्या आप चित्र का नाम बता सकते हैं? इस चित्र में जो डिस्प्ले किया है, इस चित्र का नाम आप बता सकते हो? ओके। थर्ड क्वेश्चन बेटा, पहला चित्र, टीचर ने जो पहला चित्र आपको दिखाया था और दूसरा चित्र, इन दोनों का आपसी में आपस में क्या संबंध है? इन दोनों का आपस में क्या संबंध है वो आपको बताना है चैट बॉक्स। लिसन, ध्यान से सुनना है, पहला चित्र और दूसरे चित्र का आपस में क्या संबंध है वो आपको बताना है चैट बॉक्स में। बताना है ये सर्कस, जोकर नाम था पहले चित्र में, टीचर ने सर्कस का चित्र दिखाया, दूसरे में जोकर का चित्र दिखाया, दोनों का संबंध आपको बताना है। ओके, मेला में ये दोनों चीज दिखते हैं, सर्कस में जोकर होता है। ओके, जोकर सर्कस में काम करता है, किस प्रकार का काम करता है, किस प्रकार का काम करता है? ओके, लोगों को हंसाने का काम करता है। क्यों, लोगों को हंसना नहीं आता क्या? लोगों को हंसना नहीं आता क्या? हंसाने के लिए, यस। तो क्या लोगों को हंसना नहीं आता क्या? आता है। ओके, कैसे? अच्छा, काम के प्रेशर की वजह से हंसना भूल जाते हैं। वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स बेटा। ओके, इसीलिए वापस से उनको हंसने के मूड में लेके आते हैं। ओके, इससे क्या फायदा होता है एंटरटेनमेंट के लिए? ओके, इससे क्या फायदा होता है? क्विकली सभी को जवाब देना है, 84 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। ओके, हाँ, बहुत सारे खेल दिखाता है। ओके, हाँ, लेकिन इससे क्या फायदा होता है? हंसने से क्या होता है? हंसने से ऐसा क्या हो जाएगा जो हम हंसने के लिए सर्कस में जाते हैं, जोकर की बात को सुनते हैं, उसके अटपटे हरकतों की वजह से हमें खुशी मिलती है, तो इन सब से क्या फायदा होता है हम हमारे शरीर पे? गुड हेल्थ। ओके ओके, अच्छा, टेंशन दूर होता है, वेरी गुड, मन शांत होता है, वेरी गुड, और क्या होता है? मूड फ्रेश होता है, अच्छा लगता है, एंजॉयमेंट होता है, वेरी गुड, स्ट्रेस भी भागता है, यस। हम लोगों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने मन की बात सबको बताते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और साथ ही साथ सर्कस का आनंद उठाते हैं, जोकर को देखते हैं, उसके पहनावे को देखते हैं, उसके द्वारा आयोजित हर एक कला करतूत को देखते हैं और मनोरंजन करते हैं, तालियां बजाते हैं। देखो, तालियां बजाने से क्या होता है, फायदा होता है ना, तालियां बजाने से हमारा ब्लड सर्कुलर क्या होता है, अच्छे से क्या होता है, सर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से वहां पर जाने अनजाने में हम अपने शरीर के सभी भाग का हलचल करते हैं और उसका भी हमें फायदा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हंसी है, जो स्माइल है, ये बहुत अच्छा औषधि का काम करती है हर एक मनुष्य के जीवन में। हमारे लिए सफलता के द्वार वह ऊपर वाला खोलता है। तो इसी के साथ मैं आकाश की भी अपनी वाणी को विराम लगाते हुए इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सीख मिली होगी जो कि आप लोगों को अपने जीवन में खुश रहने का एक कारण देगी और दुख के कारण को दूर भगाने का भी एक जरिया बनेगी। तो इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। This is Akash KV signing off. धन्यवाद। Yes, students, देखा आप लोगों ने जोकर को? सभी लोगों ने जोकर को देखा? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना है, क्या संदेश दिया जोकर ने? कि एक जोक पर जब स्टार्टिंग में हमें बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है ना, वापस से वही जोक को दोहराया जाता है, तो उसका असर थोड़ा सा हमें क्या लगता है, एकदम कम लगता है। कुछ ही लोग क्या करते हैं, कुछ ही लोग उसका रिस्पॉन्स करते हैं, जो पहले स्टार्टिंग में नहीं सुने होते ना, थोड़ा सा हंसी आता है, फिर तीसरी बार वही जोक को रिपीट किया जाता है जिससे बहुत खुशी मिल रही थी,
अब लास्ट में क्या हो जाता है कि अब किसी को हंसी नहीं आती, वो आश्चर्य हो जाता है, भाई कुछ और तो सुनाओ, है ना। तो यहाँ पर जोकर सभी को संदेश क्या देता है, देखो खुशी इसलिए कम होती है, दुख इसलिए ज्यादा होता है, क्योंकि जब खुशी एक बार हमें मिलती है ना, तो हमें बार बार उसके मिलने से मतलब उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता, ठीक है। तो हमारे पास जो गम है, जो दुख है, मतलब जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे, उसे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे हमें अपनी जिम्मेदारी समझ के अगर कार्य करेंगे तो हमारे शरीर में जो अभी स्ट्रेस है, तनाव है, सभी चीज क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। उसी तरह से जिस तरह से एक हंसी का पल हमारे सामने आता है, फिर दोबारा उसी चीज को दोहराया जाता है, तो उतना मजा नहीं आता। तो इसीलिए हर एक मनुष्य को ये बात समझ लेना चाहिए, दुख इसलिए ज्यादा होता है, सुख इसीलिए कम होता है, खुशी के पल इसीलिए कम होते हैं, अगर उसे दोहराया जाएगा तो उसका जो महत्व है, उसका जो इम्पोर्टेंस जो है, वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यह इसी भगवान है, वो क्या करते हैं, सभी को इक्वली क्वांटिटी में दुख और सुख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमने जोकर द्वारा सारे दर्शकों को क्या एक सीख मिला है कि हमें किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हंसी खुशी उसे अपना लेना चाहिए। और सिर्फ अपना लेने से काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर उसी तरह से वर्क करना है जिस तरह से हम हंसी खुशी के पल में करते थे, ठीक है। टीचर यहाँ पर वापस से स्क्रीन शेयर कर रही है। अब हम देखेंगे कि पाठ में जोकर के बारे में और क्या चीज कहा गया है, ठीक है। देखो प्रस्तुत पाठ, जो अभी हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं, उसका क्या टाइटल दिया है, उस पाठ का नाम ही क्या है, जोकर। प्रस्तुत पाठ में प्रस्तुत जोकर के बारे में बताया गया, लेकिन एग्जैक्टली हम इसमें सीखने वाले हैं कहावतें और मुहावरे। ये कहावतें और मुहावरे किसके द्वारा कहा गया है, एक जोकर के द्वारा कहा गया, ठीक है। जोकर के माध्यम से जीवन में हंसने के महत्व को समझाया गया है। हंसना सेहत के लिए क्या होता है अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही चैट बॉक्स में ही आपने बता दिया था कि हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और आपने ये भी कहा कि इससे अच्छा हेल्थ बनता है। सारे जवाब मुझे आप लोगों से मिला है थ्रू चैट बॉक्स, ठीक है। तो मेरा एक प्रश्न ये था, क्या इंसान को हंसना नहीं आता, क्या वो हंसना भूल गया है, सब कुछ आता है, पर अपने मतलब कठिन समय को वो कोसते रहता है, कोसने के कारण वो और अधिक हो जाता है, बजाय उसको अच्छे से अंजाम देने के लिए मेहनत करने के अलावा वो सिर्फ उस समय को क्या करता है, कोसते रहता है, जिसकी वजह से शारीरिक और उसके मानसिक पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और वो सच में हंसना भूल जाता है, और वह अपने किसी भी मोमेंट में खुश महसूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे प्रोग्राम वगैरह लगाया जाता है ताकि लोगों का क्या हो, इंटरटेन हो, इनडायरेक्टली वो क्या कर सके, अच्छे से उस चीज का आनंद उठा सके और अपने स्ट्रेस को, अपने दिमाग को शांत कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मेहनत वाला काम ये होता है कि लोगों के दिमाग को चेंज करना, यानी कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ही ज्यादा नाराज हो, लेकिन आपका सडनली कुछ ऐसा इंसिडेंट कर देने से जब आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, उससे बढ़कर कोई पुण्य काम हो ही नहीं सकता, यह पुण्य काम करने वाला कोई और नहीं, जोकर है। तो आपको क्या लगता है बच्चों कि जोकर के जीवन में कुछ इस तरह की कठिनाइयां नहीं होती होगी, जिस तरह से हमारे जीवन में कठिनाइयां होती होगी, कठिनाइयां इन द सेंस ऐसा समय जहां पर आपको ऐसा लगता है कि अब मुझसे ये नहीं होगा, अब मैं गिव अप कर रहा हूँ, अब मुझसे ये कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब मेरे में उतनी शक्ति नहीं रह गई। सबके जीवन में वो क्षण आता है, लेकिन उस क्षण को जो व्यक्ति एक मोटिवेशन के रूप में लेता है कि नहीं, ये कैसे मुझसे नहीं हो सकता, और ऐसे सोचने से ही जब उसके शरीर में उस काम को करने का जो बल आता है, वह उसका अपना सोच होता है, जिसकी वजह से वह असंभव कार्य को संभव कर देता है। तो यहाँ पर जोकर कहता है कि हर दिन मेरे सामने एक समस्या ये होती है कि मेरे सामने जो बैठे हुए दर्शक है, उन्हें मैं कैसे खुश करूं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने मतलब अपने अपने कार्य
करता व्यस्त है कि उसे उसका ध्यान में अपनी तरफ कैसे कैसे खींचूं, यह चीज के लिए वह दिन रात परेशान रहता है। और फाइनली उसके ऊपर काम करके वह सर्कस में अपनी कलाबाजियां दिखाकर लोगों को क्या करता है, खुश करता है और लोग उस शो का, उस प्रोग्राम का आनंद उठाते हैं और हंसी खुशी अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हंसना अत्यंत क्या होता है, आवश्यक होता है, किंतु दूसरों को हंसाना और उनके चेहरे पर हंसी निर्माण करना बहुत ही होता है। ठीक है, तो यदि आप आपको ये वक्त दिया जाएगी, चलो भाई जोकर बन के तुमको भी कुछ इस तरह है जिस तरह से जोकर काम करता है, तो ये टास्क बहुत ही चैलेंज है कि यदि बाबा सामने वाले के साथ मतलब कैसे शब्द कैसे हरकतें करे ताकि उसे बुरा भी ना लगे और उसका मूड भी चेंज हो जाए और वो उस मूवमेंट का क्या कर सके अच्छे से, मतलब अच्छे से उसका मतलब उस मूवमेंट को इंजॉय कर सके। ठीक, तो यहाँ पर ये जो काम है, ये काम को बेखूबी से मतलब बहुत आसान से बहुत अच्छे तरीके से आसानी तरीके से पूर्ण करता है कौन, जोकर। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना मुहावरों और कहावतों की क्या है, खासियत होती है। जैसे कि बेटा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पाठ में हम लोग मुहावरे और कहावतें देखने वाले, पर वाक्य वाक्य जोकर द्वारा बोला गया है जहां पर बेखूबी से मुहावरे और कहावतों का प्रयोग किया गया है। तो एग्जैक्टली ये है क्या मुहावरे और कहावतें, क्या मुहावरे और कहावतें उसे कहते हैं कम शब्दों में सब कुछ कह देना, कम शब्दों में वो सब चीज कह देना जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसी उसके लिए हमारे हिंदी भाषा में मुहावरे और कहावतें क्या है इस सारे काम को अंजाम देने के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर इसी बात को इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। जोकर ये जो पाठ है जहाँ पर जोकर की वेशभूषा में एक व्यक्ति है जो कि मुहावरे और कहावत के माध्यम से वो अपनी सारी बातें कम शब्दों में सभी के सामने स्पष्ट रूप से रख देता है। ठीक है बेटा, ये रहा ओवरऑल पाठ के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे पाठ। ठीक है, टोटल कितने दिए गए हैं शब्द यहाँ पर, हमें टोटल हमें कितने शब्द दिए गए हैं मुहावरे और कहावते का, कुल मुहावरे और कहावते दोनों इसी में ही हैं, जहां पर दो कहावते हैं और छह मुहावरे हैं, यानी टोटल आठ। कितने दिए हैं, टोटल आठ दिए हुए हैं, जिसमें से बेटा छह जो है वो क्या है मुहावरे, और दो जो है वो है कहावते। चलो एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी अंदाज से जिस तरह से जोकर इस पाठ में बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सही बात है। सबसे पहला जो लाइन है जो वाक्य में पढ़ने जा रही हूँ वो लिखा है, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि जान पर खेलकर मतलब क्या। यदि आपने सर्कस देखा होगा तो आप देखा होगा कि देखो आग से लपटा हुआ एक व्हील होता है जिसमें से वो आता है, यानी कहने का मतलब ये है कि वो देखो कि क्या करता है, आग में कूद जाता है ना, एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से ऊपर झूलता है, दूसरे पाइप को पकड़ के दूसरी ओर चला जाता है, छलांग लगाता है, ताकि जो कार्य करता है यह चीज देखकर ऐसा महसूस होता है कि वह अपनी जान पर खेलकर ही जो भी कार्यक्रम दिखा मतलब जो भी काम दिखाता है, जो भी दिखाता है कलाबाजियां दिखाता है, वो अपने जान को जोखिम में रख कर खेलता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि अरे बाबा उसको हैबिट हो, लेकिन स्टार्टिंग में सीखते समय उसे तकलीफ तो होगी ना, तकलीफ तो हुई होगी, तो आज वो उस फील्ड में इसीलिए सक्षम हो गया क्योंकि वह उसके पहले ये नहीं सोचा कि अरे बाप रे मुझे इससे क्या हो सकता है, हानि हो सकता है, नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे किसी और में जाना चाहिए, लेकिन वह इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराया और वह अपनी कलाबाजियां जान पर खेलकर इतना सक्षम हो गया कि अब ऐसा लगता है कि यह जो आग है ये उसे छू नहीं सकती। जिस तरह से वो हवे में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये सब दर्शकों के मन में डर तो पैदा करता है, पर जोकर हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक जगह से दूसरी जगह वह उड़ जाता है रस्सी के माध्यम से, लेकिन इसके साथ ही साथ
इसके साथ ही साथ यहाँ पर जोकर कहता है कि जो भी जोकर काम करता है, जो भी कार्य कलाबाजियां दिखाता है, वो किस पर दिखाता है? जान पर खेलकर। जान पर खेलकर जोकर क्या कर जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को क्या करता है? हंसाता है। जोकर क्या कर रहा है? झूठ मूठ का ठहाका लगाकर, ठहाका लगा के मतलब ताली पीट पीट कर, इस तरह से ताली पीट पीट कर वो क्या कर रहा है? पेट पकड़ पकड़ के ताली पीट पीट कर वो क्या कर रहा है? बहुत जोर। क्यों हंस रहा है भाई? फिर क्या बात आ गई? हाँ, लोगों को क्या करना है? खुश करना है ना, लोगों के मुंह पर हंसी आनी चाहिए। जो लोग सर्कस में रहने के बावजूद भी वो अपने मतलब वो अपने काम में व्यस्त है, उनका दिमाग कहीं और है, तो इसी चीज को ऑब्जर्व करके, है ना, इसी चीज को देखकर जोकर क्या करता है? जोर जोर से ठहाका लगाकर इस तरह से वो क्या करता है? हंसता है। उसकी हंसी को देखकर जिसे नहीं भी हंसना होता है ना, जिसे नहीं भी हंसना होता है, वो भी क्या करता है? हंसने लगता है। वो भी क्या करता है? हंसने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और मुहावरा आपके सामने आ गया, ठहाका लगाना। ठहाका लगाना यानी जोर से हंसना, ठहाका लगाना यानी जोर से हंसना। स्टूडेंट देखो, जब आप लोग स्कूल में थे, ठीक है, जब थोड़ी सी बारिश होती थी, पैसेज में थोड़ा सा पानी आ जाता था, ठीक है, बेल बजती, आप क्लास में जाने की बहुत जल्दी होती थी, तो आपका फ्रेंड गिर जाता था, उठाने की बजाय आप क्या करते उसको देखकर? जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसते थे। ठीक है, तुम्हारे दोस्त को चोट तो लगती है लेकिन उसे गुस्सा आ जाता है कि कैसा दोस्त है मेरा, मुझे उठाने के बजाय वो जोर जोर से हंस रहा है ना। फिर उसके बाद आप क्या करते हो? उससे कट्टी हो जाते हो, उससे बात नहीं करते हो, है ना। तो यहाँ पर यस, जोकर किस तरह से हंसता है? यस, कम ऑन, अरे जोर जोर से हंसो, ऐसा सोचो कि तुम्हारा दोस्त गिर गया है, उसके ऊपर हंस रहे हो आप, गिराना नहीं है जानबूझ के। ओके, कैसे हंसते ठहाका लगा के? अरे हंसो, जोर से हंसो। वेदांत, यस हियर। अंशिका हंसो तो बेटा, देखो कैसे हंसते ठहाका लगा के, कैसे हंसते हैं? ये तो बाबा सिंसियर हंसी हो गई, ठहाका लगा के भी टीचर भी आपको बताएगी, ऐसे देखो ऐसा मुंह फाड़ते हैं, कैसा? एक मिनट, दिख रही हूँ मैं ऐसे ऐसा ताली बजा बजा के, ठीक है, हंसो। जोकर पार्ट पढ़ रहे हैं ना, तो हंसता है इधर, एंजॉय करके पढ़ना है। ओके गुड, क्योंकि अभी तुमको जोकर भी बनना है ना। ओके वेरी गुड, आ गई हंसी, राइट। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके चलो, अब हंसना बंद करो नहीं तो इनडिसिप्लिन में चले जाओगे। ओके जितना बोला उतना ही हंसना है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे अभी देख लेते हैं नंबर 3, तीसरा मुहावरा। ओके तीसरा मुहावरा कोई बता सकता है कौन सा है? ओके अभी मैं नाराज हो जाऊंगी, ठीक है, अभी जोकर भी नाराज हो रहा है तो मैं भी नाराज होने वाली हूँ, ये एक्सप्रेशन भी आपको करना है, ठीक है। उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया, यानी इसका मतलब ये होता है उचित प्रतिसाद। ध्रुविका आपने ऐसे कैसे गलत आंसर दे दिया, अभी आप रहते थे ना, राइट। ओके इस तरह से समझ में आ रहा है, तो मन महसूस कर रह जाना, गुस्सा तो आ गया लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी दूर होना, नहीं तो आपको बताती थी मैं, 2-3 बार लिखवाती थी, है ना। तो यहाँ पर उचित प्रतिसाद मतलब रिस्पॉन्स, जोकर एक्टिंग कर रहा है, हंसाने की कोशिश कर रहा है, पर आप अपने ही दुनिया में खोए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जोकर क्या हो जाता है? कैसा बंदा है ये, है ना, इतना खुश करने की कोशिश कर रहा हूं पर ये इतना ढीठ है कि वो चीज को छोड़ ही नहीं रहा है, और जो माहौल चल रहा है उसका आनंद उठा ही नहीं रहा। तो यहाँ पर वह कौन? जोकर। कुछ तो बोल नहीं सकता ना, मन महसूस कर रह जाता है। मन महसूस कर रह जाना मतलब अपनी जो फीलिंग्स है, मतलब देखो जब आप अच्छा करते हो ना तो आपको चाहिए रहता है अप्रिशिएट, यस वेरी गुड बेटा। तो इस तरह से जब जोकर कुछ अच्छा कलाबाजियां दिखाता है जिससे लोगों में मतलब उस तरह की खुशी दिखनी चाहिए पर दिखती नहीं है, तो जिसके वजह से वह मन महसूस कर रह जाता है।
मन महसूस कर रह जाना। अब इसका अर्थ आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा, मन महसूस कर रहना यानी कुछ ना कर पाना, यानी कुछ ना कर पाना। अब वो क्या पूरा कार्यक्रम छोड़ के उस व्यक्ति को पूछे, अरे भाई अब बता क्यों नहीं हंस रहा है, तुझे मजा नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं पूछेगा। इसलिए वो क्या करता है, मन महसूस कर रह जाता है ना। एक दो रहते हैं क्या उसके पास दर्शक देखने के लिए, नहीं ढेर रहते हैं ना, जिसकी वजह से वो सबको देखता है कि अरे वो बहुत ज्यादा अपने ख्यालों में खोया हुआ है, कुछ तो ऐसी घटना हुई है जिससे वो दुखी है, पर यहाँ के माहौल को भी वह इंजॉय नहीं कर पा रहा। पर वो सब कुछ छोड़ के उसे पकड़ के नहीं बोलेगा ना, अरे भाई बता क्या हुआ, ठीक है चलो मैं तेरे लिए चेंज कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ पर जोकर क्या कर सकता है, सिर्फ मन महसूस कर सकता, राइट। चलो अभी तीसरा, किस तरह से एक्सप्रेशन होता है अंतरा, किस तरह से होता है सब, अरे सबको सबको दिखाना है कैसे। ओके गुड, अब सबने वेब कैमरा ही बंद कर लिया ताकि टीचर देख ना पाए। ओके मन महसूस कर कुछ ना कर पाने की वजह से किस तरह से आप एक्सप्रेशन करोगे अपना, हाँ इस तरह से, ठीक है ओके चलो गुड। चौथे वाक्य, चौथे मुहावरे की ओर हम बढ़ेंगे, ठीक है। चौथा जो मुहावरा है कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है ओके। चौथा मुहावरा क्या कह रहा है, जोकर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान देना है, सभी को ध्यान देना है। खेल समाप्त होने पर, देखो कार्यक्रम अभी खत्म हो गया है, कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया, ठीक है फूला नहीं समाया। अब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, अर्थ करने वाले, ठीक है ध्यान से वाक्य को फिर से दोहराना है। खेल समाप्त होने पर, जैसे कि कोई कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो लोग जोकर के पास आकर, मतलब बच्चे जो है जोकर के पास आकर क्या कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, किस लिए कि वह उनका एंटरटेनमेंट किया, उन्हें एंजॉयमेंट हुआ उनके हर एक कार्यकला काजियों को देखकर, उसके लिए वह धन्यवाद हृदय से धन्यवाद कहते हैं। बस इतना सा ही सुनना था कि जो जोकर है वह फूला नहीं समाया, फूला नहीं समाया मतलब अत्यधिक खुश हो गया वो, अरे वाह बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय किए इस सर्कस, मतलब इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा बच्चे बहुत ज्यादा खुश हुए मुझे देखकर, यह बात फूला नहीं समाया, मतलब धन्यवाद जैसे ही मिलने पर जोकर क्या हो जाता है, बहुत अधिक खुश हो जाता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है ना। तो यहाँ पर इस बात को बताने के लिए जोकर ने एक मुहावरे का प्रयोग किया है, वो है फूला न समाना, क्या फूला न समाना,